हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल नया तरीके का नाश्ता बनाएंगे। आप सभी लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी और इसी के साथ हम लेंगे 1/2 कप दही। अब दही और सूजी को हम एक साथ अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इस तरह से सूजी और दही का हम गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को कुछ देर के लिए हम ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम बैटर को खोलेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 छोटी चम्मच इनो, 1 चम्मच पानी, और बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो इनो है सूजी के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इनो डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा ये फूल भी जाएगा। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी कसी हुई फूल गोभी, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिला देना है जिससे कि सूजी के बैटर में ये जो हमने सब्जियाँ ऐड करी हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बैटर में अपने पसंद की आप सब्जी और भी ऐड कर सकते हैं, मसाले भी अपनी पसंद के और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये मिश्रण है बनकर तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए गैस पर रखा है हमने अप्पे पैन, इसके सभी सांचों में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम घी जिससे कि अच्छे से ये चिकना हो जाए, और फिर जो हमने बैटर बनाया है सूजी और सब्जियों का 1-1 चम्मच करके इसमें डालेंगे। और सभी सांचों को इस तरह से हम फिल कर देंगे। थोड़ा सा घी ऊपर से और डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। धीमी धीमी आंच पर इन्हें हम सिकने देंगे, थोड़ी देर बाद खोल कर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से इनका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये नीचे से पक चुके हैं। तो बस इन्हें साइड से निकालते हुए हम पलट देंगे। थोड़ा सा घी और डाल देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, और बस धीमी धीमी आंच पर दूसरे साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। और जब दोनों ही साइड से अच्छे से इस तरह से सिक जाए, कलर इनका चेंज हो जाए, तभी हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। और बैटर अभी और बचा है, ठीक उसी तरह इन्हें भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी और फूल गोभी से बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। बच्चों के टिफिन के लिए आप इसे बना सकते हैं, अपने मनपसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं इसमें, इसे आप धनिया की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।